भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार के नाम से चर्चित एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों के अनुसार पवन सिंह करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है, जिनमें चल अचल दोनों शामिल है। हलफनामे के अनुसार पवन सिंह के पास 5.4 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 11.70 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। पवन सिंह की चल संपत्ति में 5 बैंक खाते, 3 चार पहिए वाहन, 1.39 करोड़ रुपए की एक मोटरसाइकिल और 31.9 लाख रुपए के आभूषण शामिल हैं। साथ ही उनके पास 60,000 रुपए कैश भी हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक साल 2022-23 में उनकी आय 51.58 लाख रुपए रही है। हलफनामे के अनुसार पवन सिंह के पास आरा और पटना में गैर कृषि भूमि, आरा में 4.16 करोड़ रुपए की 2 कमर्शियल संपत्तियां और मुंबई लखनऊ में 6.45 करोड़ रुपए की 5 आवासीय संपत्तियां उनकी अचल संपत्तियों में शामिल हैं। बता दें कि पवन सिंह को पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन भोजपुरी एक्टर ने उस वक्त निजी कारणों का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को अपने गृह राज्य बिहार के काराकाट से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि उनके चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने राज्य में चुप्पी साध रखी है। वहीं एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख पूर्व केंद्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से संयुक्त उम्मीदवार हैं। पवन सिंह के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान पर उतरने से काराकाट लोकसभा सीट पर त्रिकोटी मुकाबला होने की संभावना है। वहीं एनडीए के उम्मीदवार कुशवाहा ने अपनी नामांकन दाखिल नहीं किया है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।